हेलो फ्रेंड, क्या आपका भी सैमसंग का हैंडसेट गलती से लॉक हो गया है और आप अपने हैंडसेट को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो? तो फ्रेंड, ऐसा है कि हमारे YouTube चैनल पे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कमेंट आ रखा था कि भैया सैमसंग में जब लॉक लग जाता है तो इसे किस तरह से अनलॉक किया जाता है, वो भी बिना डाटा को हमें डिलीट करना है और आपका डाटा पूरा का पूरा मोबाइल का बैकअप लेना है। तो फ्रेंड, आज ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप सैमसंग का हैंडसेट यूज करते हैं, सैमसंग का कोई भी मॉडल, 3G फोन हो, 4G हो या 5G हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर आपका सिर्फ सैमसंग का हैंडसेट है और आपका फोन लॉक हो गया है पिन, पैटर्न, पासवर्ड में, जिस कारण से आप अपने हैंडसेट को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो और अपने फोन को यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आज ही इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ये 2 या 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट के समय में आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री, बिना पैसा वेस्ट किए और बिना डाटा को डिलीट किए। तो आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो सैमसंग को अनलॉक करने के लिए हमें पहला वर्क क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका फोन में जो सिम कार्ड होता है इसे पहले निकाल लेना, और आपका बैटरी की यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बैटरी पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैक्सिमम 50 से प्लस होना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे हो मेरे फोन में अभी 97 है। इसके बाद एक बार अपने हैंडसेट को रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आओगे और यहाँ पे एक कोड, यहाँ पे नहीं, अभी लॉक स्क्रीन पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिखेगा, तो इसे आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिया जाएगा सर्विस सेंटर का, ध्यान से ये कोड आप अपने फोन में डायल कीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने ये कोड को डायल कर रहा हूँ, तो ये कोड को आप भी अपने फोन में डायल कीजिएगा ध्यान से, कि कोई भी अंक आपका छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद इस कोड को आपको एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से, जिससे हमारा फोन का कोई भी डाटा डिलीट ना हो। तो क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है, कॉल करने के बाद आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको ओके करना है, इस कोड को इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद, इस कोड को हटाने के बाद हमें सेकेंड कोड अप्लाई करना है, मास्टर अनलॉकिंग का, ठीक है ना। ये कोड हमारा फोन अनलॉक करने में हेल्प करता है, *8999#। ये कोड को डायल करने के बाद आप इंजीनियर मोड पे आओगे। इंजीनियर मोड पे आने के बाद मैनुअल टेस्ट को ओपन कीजिएगा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे चले जाइएगा, अदर्स पे। अदर्स पे आने के बाद पहले यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन का ऑप्शन पे 2 बार क्लिक करने के बाद सेकेंड नंबर पे देखिएगा रीड राइट इंपोर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे हमें एक कोड डायल करके लॉगिन करना है, *8999#। ये कोड को डायल करने के बाद आप ओके कीजिएगा, आपके सामने रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। बस इसके बाद आप अपने होम बटन को क्लिक कीजिएगा, ये आपका सैमसंग का हैंडसेट घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन ही प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।